वेलकम टू दी चैनल। हम लोग देख रहे थे एसी सर्किट, और हमने इसे सबसे पहले में एक लेक्चर देखा, फिर दूसरा आया। अभी इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इससे पहले हमने 2005 का फिफ्थ का एक क्वेश्चन देखा था जो दूसरे नंबर पे था, और इससे पहले हमने देखा था 2003 का पहले का है, ठीक है? वो शायद ना मैंने गलती से इसको 2011 बोल दिया था, तो इसको देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग आगे शुरू करते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 2016 का। बस ये मैंने पिछले लेक्चर में शायद डिस्कस किया था, पर लेकिन वो कुछ सही नहीं हो पाया था, मैं दोबारा से इसको बोल देती हूँ। 2016 का है हमारा, फोर्थ का है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि दो एलिमेंट एसी सर्किट है मेरे पास। दो एलिमेंट मतलब या तो एलआर हो सकता है या तो सीआर हो सकता है, ठीक है? अभी पता नहीं क्या है। इसमें कहा कि करंट लैग करता है बाय 45 डिग्री, मतलब आई लैग्स बाय 45 डिग्री। अब अगर लैग कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये हमारा इसमें एलआर सर्किट ही होगा। देखो एंटिटी दो ही है, या तो एलआर या तो सीआर होगा। ऊपर से कह रहा है कि आई लैग कर रहा है। अगर आई लैग कर रहा है मतलब कि हमारा करंट पीछे है, और पीछे करंट किसमें होता है, जिसमें आर जिसमें इंडक्टर होता है, इसलिए हमारा ये एलआर सर्किट हो गया। फिर उसके बाद हमसे कह रहा है कि जो मेरा रेजिस्टेंस गिवन है वो है 100 ओम, ऑल राइट, एंड हमें एंगल 45 है। तो हमसे पूछा है कि हमें रिएक्टेंस बताना है, मतलब मुझे एक्सेल बताना है। देखो इम्पिडेंस कोई मत समझ लेना, क्योंकि इसमें इम्पिडेंस लिखा नहीं है। रिएक्टेंस लिखा है तो एक्सेल करेंगे, इम्पिडेंस लिखा होता तो जेड हम निकालते हैं, ठीक? खैर जेड भी हम लोग निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं अब है तो कर ही लेते हैं। एक्सेल हो गया, ये हो गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि रिएक्टेंस बताइए और बताइए कि एल आर सर्किट है सी आर। देखो ये तो मैंने पहले बता दिया कि एल आर सर्किट है। अब फाइंड करते हैं एक्सेल। देखो मुझे एंगल दे रखा है ना, तो हमें पता है कि टेन फाई कितना होता है, एक्सेल बाई आर होता है। हमें फाई पता है, हमें आर पता है, तो दिस इम्प्लाइज टेन फाई मतलब 10 45 डिग्री। 10 45 डिग्री मतलब 1, तो यहाँ से एक्सेल हो जाएगा आर के बराबर, जो कि हमारा 100 ओम। ऑल राइट, एक्सेल की वैल्यू हो गई 100 ओम, ठीक है? ये हो गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, जेड भी फाइंड करना था ना। जेड क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर रूट में, तो आर स्क्वायर मतलब 100, ये भी 100, तो 2 रूट 100 ओम। ये हो गया हमारा जेड का वैल्यू, इम्पिडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ का है, 2011, 2011 फोर्थ का भी। क्वेश्चन में हमको बोला है कि डिफाइन करो क्वालिटी फैक्टर, ये तो अपने नोट से आप लोग देख लेना। फिर वोल्टेज गिवन है हमको, और हमसे कहा है कि एल सी आर का वैल्यू गिवन है, मतलब कुछ इस प्रकार से। देखो एल सी आर, देखो वैसे अगर कभी रजिस्टर बनाना तो हमेशा इस तरीके से बनाया करो, ऐसे चार बना के इस तरीके से, ठीक है? देखे जो वैसे ये L है, ये C है, ये R है। L गिवन है हमको 0.1 हेनरी, C गिवन है हमको 0.1 माइक्रोफेरेड, और रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम, ठीक है? और हमको वोल्टेज भी गिवन है, जो कि है 9√2 sin 10⁴ t। अब देखो इसमें ना एक चीज आप देख के बता सकते हैं कि ये मेरा रेजोनेंट वाला कंडीशन होगा। रेजोनेंट कंडीशन मतलब कि जहाँ पे एक्सएल एंड एक्सी जो होंगे वो इक्वल होंगे। अब ये फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि इक्वल होते हैं। और बाकी ना एक टेक्निक है, अगर मान लो एल का वैल्यू आपको कुछ एक्स हेनरी गिवन है, और सी का वैल्यू आपको कुछ एक्स माइक्रो हेनरी गिवन है, तो समझ जाना ना ये हमेशा रेजोनेंस होंगे, इसमें एक्सएल एंड एक्सी का वैल्यू सेम आएगा। चलो अब क्वेश्चन अगर देखते क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे वोल्टेज अक्रॉस एल, एल के अक्रॉस वोल्टेज, ठीक है? एल के अक्रॉस वोल्टेज मतलब ये इधर का वोल्टेज, सी के अक्रॉस का वोल्टेज एंड आर के अक्रॉस का वोल्टेज, इन सब की मुझे बतानी है आर एम एस वैल्यू, ठीक है? एल सी आर की आर एम एस वैल्यू बतानी है हमको, मतलब कि हमें वी नॉट एल निकालना है, वी नॉट सी निकालना है, वी नॉट आर निकालना है, और वी आर एम एस होता क्या है, नथिंग बट वी नॉट बाई √2, है ना? रूट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये सबसे पहले वाले लेक्चर में इसमें देखा था हमने इसको। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे फाइंड करना है कि भाई इसमें करंट कितना है, क्योंकि मैं करंट फाइंड कर लूंगी तो मैं बता पाऊंगी कि एल के अक्रॉस कितना है। भाई एल के अक्रॉस करंट से कितना फेज होना चाहिए, करंट लैग करती है ना
तो वोल्टेज नीड करेगा, मतलब कि ये प्लस पाई बाई टू होना चाहिए, इधर वोल्टेज माइनस पाई बाई टू हो जाएगा और यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। चलिए इसको करके निकालते हैं, पहले करंट निकालते हैं हम लोग। एक्सी एक्सएल भी निकाल लेते, उसका भी जरूरत पड़ेगा। देखो यहाँ से एक्सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/ω c इक्वल टू 1/10^4 इंटू 0.1 भाई माइक्रो है तो ऊपर 10^6 हो जाएगा, और ये वैल्यू आनी चाहिए ओम में, तो यहाँ से एक्सी की वैल्यू आ जाएगी 10^3 ओम। दिस इज एक्सी। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे एक्सएल, जो कि होता है ओमेगा इंटू एल, तो ओमेगा की वैल्यू है 10^4 इंटू है 0.1, ओम में रहेगा। यहाँ से एक्सएल का वैल्यू आ गया 10^3 ओम। तो देख सकते हैं हम लोग क्लियरली एक्स इक्वल टू एक्सएल है। अगर एक्स इक्वल टू एक्सएल है, इसका मतलब ये रेजोनेंस वाली कंडीशन हो गई। और देखो जब ये कंडीशन होती है ना, इससे हमारा प्योर रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करना होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा भाई। एक्स एक्सएल है नहीं तो सिर्फ आर हो गया। तो इस केस में करंट और वोल्टेज का फेस सेम हो जाएगा, क्योंकि भाई प्योर रेजिस्टेंस हो गया ना। और दूसरा अगर निकालना भी चाहें तो हम लोग देख भी सकते हैं खुद से, क्योंकि देखो हमारा टैन फाई होता क्या है, एक्सी माइनस एक्सएल या जो भी कर लो, मॉड कर देते हैं अपॉन में आर। अब ये क्वांटिटी तो जीरो है, तो ये हो गया जीरो, तो दिस इम्प्लाइज फाई इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं करंट लिखना चाहूँ यहाँ से, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट साइन। अब देखो फेस तो सेम होने वाला है, चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, अभी भी वही डिस्कस किया है। पाई का वैल्यू क्योंकि जीरो हो गया, अब आई नॉट कैसे निकालेंगे, तो वी नो आई नॉट होता क्या है, v0/z या फिर v0 R/R या फिर v0 C/xC या फिर v0 L/xL। फिलहाल मेरे को v0 पता है, और v0 पता है मेरे को, और जेड हमने निकाला है कि नहीं, नहीं निकाला तो निकाल लेते हैं। वैसे भी जेड भी देखोगे तो जेड भी तो इक्वल मेरे आर की ही आ जाएगा भाई। देखो ना, जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस XC-XL का होल स्क्वायर रूट में। तो XC से XL कट गया, तो जेड का वैल्यू आर आ गया। तो पुट कर दिया जाए और आई नॉट का वैल्यू निकाल लिया जाए, तो ऐसे आई नॉट हो जाएगा हमारे पास V0 का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में, 9√2 था ना, 9√2/100 हो गया आई नॉट की वैल्यू, एम्पियर में होगा। पुट कर दिया जाए तो आई इक्वल टू 0.09√2 साइन 10^42 40। दिस आर करंट। अब निकालना है हमें सबके अक्रॉस वोल्टेज। देखो आई आर एम एस पूछा नहीं है, अगर पूछता तो क्या कर देते। आई आर एम एस कुछ नहीं होता, आई नॉट बाई रूट टू मतलब 0.9√2/√2 हो जाएगा 0.09। अगर पूछता तो ऐसे निकाल सकते थे। अगर आई एवरेज आएगा तो क्या करेंगे, लेक्चर में बताया था कुछ मल्टीप्लाई करना होता है। चलो आगे देखते हैं। अब मेरे को चाहिए वी आर चाहिए ना, वी आर कैसे निकालेंगे, पहले वी नॉट आर चाहिए होगा, बाकी साइन, और ये करंट के साथ में रहेगा ना, क्योंकि भाई रेजिस्टेंस है, तो ये 10^4 t। वी नॉट आर मतलब वी नॉट आर इक्वल टू आई नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.09√2/100, तो 9√2 आ जाएगा। दिस इक्वल टू 9√2 sin 10^40, ये हमारा वी आर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से वी एल निकाल दिया जाए। वी एल करेंगे तो भाई वी नॉट एल कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्स एल ना, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 0.09√2×10^3 sin 10^4 t। अब देखो तुम्हारा इंडक्टर में क्या होता है, मतलब वोल्टेज लीड करता है, तो इसलिए कितने से पाई बाई टू से, इसलिए प्लस पाई बाई टू। अगर मैं वी सी करूँ तो 0.09√2×10^3, क्योंकि भाई एक्सी का वैल्यू भी 10^3 है, साइन 10^4 t। अब की बार क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है पाई बाई टू से, या करंट लीड करता है पाई बाई टू से।
हमें पता है दिस इज आर वी नॉट एल, ये पूरा ये हमारा वी नॉट सी और ये पूरा वी नॉट वी आर वी नॉट आर। हमें चाहिए वी नॉट आर का आर एम एस, इन सब का आर एम एस। तो देखो आर एम एस वैल्यू निकालेंगे, आर एम एस वी आर का आर एम एस कितना आएगा, 9√2/√2 तो 9 वोल्ट। वी एल का कितना आएगा, 90 वोल्ट आ जाएगा भाई, 0.09√2 × 10³। देखो 0.09√2 × 10³ बाई रूट टू है ना। इसी तरीके से वी सी भी आ जाएगा 90 वोल्ट। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है 2009 का। देखो 2009 का पहले का भी कह रहा है कि सम ऑफ द थ्री वोल्टेज बताना, वी वन वी टू वी थ्री। वी वन गिवन है 147.3 एंगल 98.1 डिग्री, वी टू गिवन है 294.6 एंगल है 45 डिग्री, वी थ्री भी गिवन है 88.4 एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, हमको इसको फाइंड आउट करना है, इनको ऐड करना है, इनका सम चाहिए, सम ऑफ दीस। देखो इसको कैसे करते हैं। तो मैंने पहले लेक्चर में भी वैसे बताया था कि एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल थीटा का मतलब होता है ई की पावर थीटा। ओके, देखो एंगल थीटा का मतलब होता है ई की पावर थीटा, और इसका मतलब होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, अब आई की जगह हम लोग जनरली लिखेंगे जे, क्योंकि हमारे यहाँ नोटेशन वगैरह में जे लिखते हैं, इसलिए आप भी हैबिट डालिए कि जे लिखिए। तो देखिए टोटल सम चाहिए v इक्वल टू वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। अब हम सेपरेट करके v1 निकालेंगे, v2 निकालेंगे, v3 निकालेंगे। यहाँ से v1 इक्वल टू 147.3, अब एंगल है 98.1 डिग्री, मतलब कॉस का 98.1 डिग्री प्लस जे इंटू साइन 98.1 डिग्री, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो कैलकुलेटर लो, कॉस 98.1 डिग्री की वैल्यू निकालो और उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर प्लस करो साइन 98.1 डिग्री की वैल्यू निकालो और इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस बीच में तो रहेगा ही रहेगा। अब देखो ये होता है कि एग्जाम में कैसे करोगे, तो एग्जाम में करने के लिए ना आता है साइन कॉस का टेबल, हमें वो टेबल पढ़ना आना चाहिए, जैसे लॉग एंटी लॉग की टेबल होती है उस तरीके से इसकी वो टेबल होती है। मैं कोशिश करूंगी कि वो मैं टेबल पढ़ना सिखा दूँ जैसे टाइम मिलता है। तो इसको देखो सॉल्व करते ही हो जाएगा, -20.75 प्लस जे 145.83। देखो मैंने भी अपने आप ऐसे नहीं लिखा, मैंने तो डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसको सॉल्व किया है। आप लोग भी फिलहाल अभी संतुष्टि के लिए कैलकुलेटर से कर लो, अगर साइन कॉस कहीं से पढ़ना आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगी इसमें। ये हो गया वी वन, इसी तरीके से वी टू निकाला जाए तो ये हो जाएगा 294.6 कॉस 45 डिग्री प्लस जे साइन 45 डिग्री। देखो चलो इसका वैल्यू तो 45 का पता ही होता है, 1/√2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला तो आप लोग वहाँ पे कर लेंगे, 208.31 माइनस जे 208.37। अभी देखना कुछ क्वेश्चन जो आते हैं सी ए ब्रिज वगैरह के जो क्वेश्चन है, इसमें उसमें भी हर जगह जे 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 दिख रहा होगा, उसको भी सॉल्व करना देखेंगे। तो ये आना जरूरी है, साइन कॉस का टेबल पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से वी थ्री को फाइंड करते हैं, वी थ्री इक्वल टू 88.4 कॉस 45 डिग्री प्लस जे साइन 45 डिग्री। ठीक, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 62.51 प्लस जे 62.51। अब इन सबको ऐड कर दो। देखो अब ऐड करने का तरीका क्या होता है, हमें पता है कि हम लोग अगर लेंथ नापनी है तो हम लोग मीटर में मीटर जोड़ते हैं, या सेंटीमीटर जोड़ सकते हैं मीटर में कन्वर्ट करके, या किलोमीटर जोड़ सकते हैं उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो तब। मतलब ये नहीं कह सकते कि हम मीटर में लीटर जोड़ दें, ये पॉसिबल नहीं है, है ना, ये क्वांटिटी अलग है। तो इसलिए यहाँ पे जितनी ये वाली टर्म्स है, पहली वाली टर्म्स है जो मतलब कि रियल टर्म्स है, उनको साथ जोड़ेंगे, और जो इमेजनरी वाली टर्म्स है उनको एक साथ जोड़ेंगे।
इससे हमको व्यू मिल जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज सबको जोड़ा जाएगा, सारी वैल्यूज कॉपी में लिखी होंगी उसको जोड़िए, तो ये आएगा 250.07 प्लस जे 0.03। ठीक है, ये हमारा हो गया टोटल वोल्टेज। देखो आंसर इतना भी थोड़ा हो गया तो सही होगा, पर लेकिन अब देखो जर्नली हम तुमने देखा ऊपर कि मेरे को V1 भी कैसे दे रखा है, कुछ क्वांटिटी दी थी फिर एंगल दिया था। अगर मैं इसको उसमें कन्वर्ट करना चाहूँ तो कैसे कन्वर्ट करूंगी, तो इसके लिए क्या है कि अब मुझे वो थीटा ढूंढना है। तो देखो जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर में हम पढ़ते थे जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो यहाँ पर टेन फाई कैसे निकलता था, वाई बाई एक्स निकलता था, टेन फाई इक्वल टू वाई बाई एक्स, और यहाँ से फाई की वैल्यू निकाल लेते हैं टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। देखो इतना आंसर छोड़ के आ जाओगे ठीक है, एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, टाइम जाएगा बेमतलब का। तो और जनरली जहाँ तक ये वाला क्वेश्चन अगर पहले वाले में दे दिए तो फिर कंपलसरी ही हो जाता है जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है। तो अब चलो फाई निकालते हैं, इसलिए सीख लेना ही सही है। तो ये हो जाएगा 0.03 अपॉन 250.07। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज फाइव इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स इतनी पूरी क्वांटिटी, है ना, 0.03 अपॉन 250.07। फिर से कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करना, ये आएगा 0.006869। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू पहले मैग्नीट्यूड फिर इसको, तो हमारा V इक्वल टू हो जाएगा 250.07 एंगल 0.006869। इसको सॉल्व करना वापस से वही आएगा। चलो ये भी हो गया। अब एक क्वेश्चन है 2008 का, फिफ्थ का ए, देखने दो। नहीं एक सेकंड शायद मैं, ओहो ये ऐसे नहीं आता है, इसको भी निकालने के लिए देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वापस इसी में आओ एक्स और जेड में। तो इसको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके रूट में आर का वैल्यू निकालते हैं ना, उसी यहाँ पे भी करेंगे, मतलब 250.07 का होल स्क्वायर प्लस 0.03 का होल स्क्वायर रूट में। तो इसको सॉल्व कर देना ठीक, इसको सॉल्व करना और यही वैल्यू यही यहाँ पे आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, इस तरीके से वी पूरा लिख सकते हैं। देखो इसमें थोड़ा तामझाम है, इसलिए बेटर है कि वहीं पे अगर पेपर में आएगा तो वहीं पे छोड़ देना क्वेश्चन, पर सीखने के लिए इसको कॉपी में नोट जरूर करना है, क्योंकि जितने अच्छे कॉन्सेप्ट फिजिक्स आती कैसे थ्योरी तो सबको समझ में आ जाती है, न्यूमेरिकल्स में दिक्कत होता है। तो पहला अप्रोच रखो, पहले एक न्यूमेरिकल करो फिर उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ाओ। देखो ये है क्वेश्चन हमारा फिफ्थ का बी है शायद, ठीक 2008 का है। देखो ये ना एकदम ऊपर वाले की तरह ही है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज गिवन है, एल गिवन है, सी गिवन है, आर गिवन है। तो देखो इस तरीके से है, एल गिवन है, कैपेसिटर गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है और एक वोल्टेज गिवन है अल्टरनेटिंग, इसकी वैल्यू दे रखी है 100 ओम। ओ सॉरी ये है 0.5 हेनरी, ये है 0.5 माइक्रोफेरेड और ये है 100 ओम। हमें वी टी भी दे रखा है, ये हो जाएगा 10 sin 2000 t प्लस पाई बाई 6। वापस हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट करिए पीक वैल्यूज, कैलकुलेट दी पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेज अक्रॉस एल सी आर। देखो पीक वैल्यूज कहा है, मतलब कि वी नॉट कहा है और तुमको मतलब वी नॉट आर कहा है, वी नॉट सी कहा है, वी नॉट एल निकालने को कहा गया है। अब की बार आर एम एस नहीं कहा गया है, तो रूट से डिवाइड मत करना, इसको ध्यान रखे रहना ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन तो ऊपर वाले की तरह कर लेना चाहिए, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ।
क्वेश्चन देखो, ऊपर वाले की तरह ट्राई करना। देखो जो इसमें हमारा आई नॉट आएगा वो आएगा 0.1 एम्पियर, ठीक। और इसमें वी नॉट आर आने वाला है जो हमें फाइंड करना है, 0.1 × 100 आएगा। वी एल की बात करेंगे मतलब वी नॉट एल की बात करेंगे तो 0.1 × 10³ आएगा। वी नॉट सी की बात करेंगे तो 0.1 × 10³ आएगा, है ना, ये आएंगे। और बाकी ध्यान रखना, जैसे तुम एल का एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये +π/2 हो जाएगा, सी का इक्वेशन लिखोगे तो -π/2 हो जाएगा, उसको निकाल लेना। तो ये पास पास हो गया, ये वी नॉट है ये और ये वी नॉट सी है। फिर से इसमें एक चीज और ध्यान रखना, देखो मैंने ऊपर जो एक ट्रिक बताई थी ना कि अगर एक्स हेनरी दिया हो और एक्स माइक्रोफेरेड दिया हो तो दोनों कौन सी कंडीशन को दिखाती है, रेजोनेंस कंडीशन दिखाती है। देख भी सकते हो दोनों सेम है, निकालेंगे तो एक्स एल एंड एक्स सी का वैल्यू सेम आएगा, एक्स सी और एक्स एल का वैल्यू दोनों का आएगा 10³ आएगी। मेरे ख्याल से अब तो कर ही लेंगे, मैंने आंसर तो बता दिया। और हाँ, आरएमएस वैल्यू भी खुद से निकाल लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, इन सब में √2 से डिवाइड कर देना, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन है 2007 का, इसमें करंट पूछा है, चलो देख लेते हैं कैसा है। बस फिर जहां तक खत्म सारे क्वेश्चंस, ये हमारा 2007 फिफ्थ का भी कह रहे हैं कैपेसिटर है 10 माइक्रोफेरड का, ओके 10 माइक्रोफेरड। फिर रेजिस्टेंस भी गिवेन है 47 ओम, ठीक। कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में ही कनेक्टेड, हमारे में पैरेलल वैसे है भी नहीं सारे। बस में एसी वोल्टेज तुमको गिवन है 100 वोल्ट, 100 वोल्ट जो गिवन है ना, इसका मतलब कि वी नॉट गिवन है, ठीक है। वो एंगल भी नहीं गिवन है, इससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे, वो तो एंगल वगैरह के लिए होता है। देखो ऊपर क्वेश्चंस में तो मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया है, वो पूरा एक्सप्रेशन तो पूछता ही नहीं है, वो तो हमने खुद ही फाइंड कर दिया कि भाई आई का वैल्यू इतना होगा, इसका वैल्यू इतना होगा, हमें तो बस उसके मतलब कि पीक वैल्यू से मतलब थी 100 वोल्ट। और मेरे पास हर्ट्स में गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है 300 हर्ट्स, ठीक है। हमसे पूछा गया है इम्पीडेंस कितना होगा, पैरेलल करंट फेज लैग नहीं, कैलकुलेट द करंट, करंट पूछा, आई पूछा, आई कितना बह रहा है, एंड द फेज लैग मतलब कि फाई भी पूछा है कितने फेज से हो रहा है। भाई देखो ये है कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में क्या होता है, हमारा करंट लैग करता है कि एक्सीड करता है। कैपेसिटर में मेरा करंट लीड करता है ना, चलो देखते हैं इसको कैसे होगा सॉल्व। सारा हो गया, अब शुरू करते हैं सी एक्स सी पहले निकालते हैं, एक्स सी निकालेंगे तभी तो फाइव निकाल पाएंगे। देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 1/ωc, 1/ωc जो कि हो जाएगा 10^6 अपॉन 10 × 6 × 10² π। ये कैसे आया, ओमेगा कैसे आया, भाई मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता है तो मैं ओमेगा नहीं लिख सकती, ओमेगा होता है 2π f, भाई 2π f होता है, मल्टीप्लाई कर दो 3 × 6 और 10 को 10^2 लिख दिया और पाई पाई लिख दिया, तो यहाँ से हो गया, इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 10^3 अपॉन 6π, दिस इज माई एक्स सी। अब रही बात जेड की, तो जेड होता है इम्पिडेंस, ये क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 47 का स्क्वायर प्लस 53.05 का होल स्क्वायर रूट में, इसको सॉल्व करो ये आएगा कुछ 70.8 ओम। तो यहाँ से इम्पिडेंस निकल गया। अब चाहिए मुझे करंट चाहिए ना, तो करंट क्या होता है वी बाई आर होता है, भाई वी नॉट तो मुझे गिवन ही है, और सॉरी वी नॉट बाई जेड होता है, और जेड हमने निकाल ही लिया है, तो यहाँ से इतनी आ गई वैल्यू। तो आई नॉट इक्वल टू वी बाई जेड इक्वल टू 100 बाई
70.8, तो ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये 1.41 आएगी। ठीक, और अब एक फेज एंगल और करना था, tan phi इक्वल टू xc बाई आर हो जाएगा। भाई xc बाई आर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, xc का वैल्यू भी पता है 53.05 और r का वैल्यू है 47। इसको सॉल्व करते हैं, आप इसे कैलकुलेटर लेके बैठना, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 53.05 अपॉन 47। तो दिस इम्प्लाइज कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना, तो फाइव का वैल्यू आएगा 48.46 डिग्री। बस इतना निकालना था, हो गया। अब इसको थोड़ा अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया जाए, जो हमने जस्ट थोड़ी देर ऊपर पढ़ा हुआ है एंगल में कैसे लिखते हैं इसको, तो लिख देते हैं हम लोग इसको एंगल में क्या जा रहा है। तो इसका मतलब जो मेरा आई होगा वो हो जाएगा 1.41, एंगल कितना है 48.3 डिग्री एम्पियर। दिस इज माई फाइनल आंसर। तो देखो मेरे ख्याल से ना सारे क्वेश्चन हो गए हैं, और रही बात 18 में, तो मुझे पता ही नहीं कौन सा क्वेश्चन आया है, क्योंकि मेरे अनसॉल्व में वो फट चुका है, और 19 बैच में हम लोगों को देना था पेपर, हमारा हुआ ही नहीं। तो थैंक यू फॉर ऑल वॉचिंग, ये यहाँ पे एसी सर्किट भी अब खत्म हो गया।